अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी तो जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे कुछ कपड़े और गए हैं टेलर के पास सिलने के लिए, तो ये कुछ कपड़े आए हैं, हमने सोचा शेयर करें, आप लोगों को दिखाएं। सिंपल सिले हैं, सिंपल सिलाई करवाई है। जी। बिल्कुल ही सिंपल सिले हुए हैं, बिल्कुल लॉन के, बिल्कुल घर में पहनने वाले सिंपल ड्रेसेस। जैसे ये ब्लैक ड्रेस है। ये भाभी का है? नहीं, मेरा हाँ, तुम्हारा, हाँ, दिया का। बहुत देर से पड़े थे ना कपड़े, तो सिंपल अभी उस उन पे दर्जी के पास थी ऑफर के, वो सस्ते में सी रहा था, इसलिए हमने सिलवा लिए। हाँ, ऑफर लगाई हुई है, वरना यहाँ पे जो है वो स्टिचिंग बहुत एक्सपेंसिव है बहरीन में। ये ब्लैक ड्रेस है, और ये इसका इसके ये गला, सिंपल उसने गला बनाया, पाइपिंग बस अपने पास से किसी और कपड़े ही ये लगाई। मैं गई थी ना उस दिन, उससे अपने पहले जिस दिन कपड़े लेने, तो वहाँ किसी की शर्ट उसने काटी हुई थी, उसकी एक ना बच्चे का पीस पड़ा था, तो मैंने कहा ये पाइपिंग लगा देना। मान नहीं रहा था, कह रहा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने कहा तुम यही लगा देना भाई, बस पाइपिंग अपने यही लगा ऐसे ही देना। तकरीबन सब गले बनाए हैं, सिंपल ही बनाए सारे। और ये इसके सिंपल बाजू है, बाजू पे भी हल्की सी यही वाली पाइपिंग लगाई हुई है। और ये इसमें इसके दामन पे पट्टी थी एम्ब्रॉयडरी की, तो उसने वही लगा दी। बहुत नीट सिया हुआ है। हाँ, इसकी सिलाई बहुत सफाई से हाँ, सीते हैं, बहुत मतलब नीट से। सिंपल ड्रेसेस बहुत नीट और क्लीन सिले हुए हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। वो ये बैक सिंपल में साइड ही है, अच्छे लग रहे हैं। ये बैक साइड है, छोटा छोटा सा बंच बना हुआ है। और ट्राउजर दिखाना, पैंट ट्राउजर सिल, पैंट ट्राउजर भी अच्छा सिला हुआ है। पैंट ये इसका ये ट्राउजर इसका है। है ट्राउजर। मैंने कोई भी जो है वो शलवार नहीं सिलवाई, मैंने ज़्यादातर पैंट ही सिलवाई है, मुझे नहीं अच्छी लगती। ये इसका दुपट्टा है, बारीक दुपट्टा है। हाँ, ये क्रिंकल का दुपट्टा है। घर में ही पहनने के लिए सिलवाए हैं, तो बिल्कुल सिंपल सिलवा लिया। अगर खुद सीते तो थोड़ा ये कर लेते कि चलो डोरी पाइपिंग या कुछ लगा लेते, लेकिन फिर वो पड़े हुए थे, सिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो सिलवा लेती हूँ, पहनने के काबिल हो जाएंगे। जी ये शर्ट है, ये घर पे खुद सी है मैंने, ये इस पे ये लगाई है, समोसे बना के लगाए हैं। इसकी समझ नहीं आ रही थी, ये पीस पड़ा हुआ था शर्ट का, जब मैं पाकिस्तान गई थी मैंने वहां से लिया था। अच्छा लग रहा है। पिंक और ब्लू, बहुत सारे ब्लू कलर्स थे एंड ना, तो इसकी मुझे ऑरेंज, समझ नहीं आ रही थी शर्ट ये की, तीनों का, तो मैं और ये सारे साथ कलर ये लगा दिए। फ्रिल लगाई है स्लीव पे। फ्रिल होती है ना, क्या होती हाँ, है, फ्रिल बना के लगाई है। अच्छी लग रही है शर्ट ओवरऑल। इसमें पिंक कलर भी है, ब्लू भी है, ऑरेंज भी है, पर ये सारे कलर लगा वाइट दिए हैं। शलवार है सर, ट्राउजर ट्राउजर इसका भी नहीं, लेकिन व्हाइट ही अच्छा लगेगा। ये दुपट्टा ना आई हूँ मैं, जहाँ से वो कपड़े सिलवाते हैं ना, वहाँ से हमारी एक दुपट्टा मिल लाई हूँ। इसको मैंने अभी सीना है, सोचो इसके ऊपर भी कोई लैस वगैरह लगा लूँ, आंधा भी चल जाता है। इसी कलर की लैस लगा लूँगी ना हाँ। ऑल ओवर पूरे दुपट्टे पे, तो फिर अच्छा लगेगा दुपट्टा। इस पे सारे कलर के दुपट्टे अच्छे लगेंगे, तो मैं कहीं ऑरेंज से भी रख के देखूंगी ना, तो इसको इस ग्रीन के साथ ऑरेंज में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता मैं है। लाई भी हूँ ऑरेंज दुपट्टा भी, पिंक भी, मुझे और सूटों के लिए चाहिए थे। कोई भी जो अच्छा लगेगा वो ले लिया करूँगी, वाइट ट्राउजर होगा तो कुछ भी चल जाएगा। ये इसका वो बनाया है, बोट नेक बनाया है, बे नेक है या बोट नेक है? ये बे है ना, बे है, ये आगे पीछे से एक जैसा बनाया है। पीछे से बिल्कुल सिंपल है शर्ट, और दामन पे वो लगाई है, कपड़ा मोड़ के लगाया नीचे भी। करके ये सब घर में था, ब्लू कलर का कपड़ा किसी और सूट का बचे हुआ। ये एक घर में हम चाहिए तो हम थोड़ी बहुत ऐसा रिटेलिंग कर लेते हैं, टेलर इस तरह के काम तो नहीं करके देता 3 दिनार में, लेकिन सफाई उसके हाथ में भी है, अच्छा भी। नेक्स्ट रूट दिखाते हैं जी। ये सूट है, ये टेलर के पास गया था, मैंने आपको बताया था जैसे इसका काम पिछले वीडियो में बताया था कि इसका ये हमें घर पे नहीं कर सकते ना, काविया करना था, तो इसलिए मुझे ये एक दो सूट सिलवाने पड़े थे टेलर से। तो ये शर्ट वहाँ से सिलाई है, ये इसके बाजुओं के पैच साथ मिले हुए थे, ये काविया करा के इसने लगाया है। इसके मैं खाली उसने ज़्यादा पैसे लिए, 6 दिनार लिए हैं। हाँ, काव्य की उनकी अपनी मशीन नहीं होती हाँ ना, वो कहते हैं तो वो बाहर से कराते हैं काव्य, तो इसलिए इसके थोड़े ये शर्ट का ये बचा हुआ बंच है या बाजू का? तुम से दामन में से बचा था। अच्छा, ये वहाँ से उसने बच्चा उसे यहाँ गले पे लगा दिया, गला उसने सिंपल बनाया। मतलब कुछ ज्यादा ही सिंपल बना दी है। मतलब टेलर का यही मसला होता है, घर में जो दर्जन सी रही होती है ना, वो अपने इतना दिमाग उड़ा लेती हैं, या शायद पाकिस्तान में जो टेलर अपने शॉप पे सी रहे होते हैं वो अपनी मर्जी से कपड़ा सी लेते हैं। यहाँ पे जो है ना, टेलर को जो आप बताएंगे ना,
उससे भी कम ही कुछ हाँ, करता है, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करता, ज्यादा नहीं करेंगे ये। हाँ ना, दामन वगैरह पे भी कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल यू। अगर हम घर में खुद सीते तो हम कोई ना कोई इस कलर में, जैसे ये इसका बॉर्डर था, ये टर्न करके ही लगाना था बैक साइड पे, इसकी यही डिटेलिंग ही ऐसी थी वहां पे कि अंदर टर्न करना है, तो उसने अंदर कर दिया। अगर हम ना बताते तो उसने उसको भी इसी तरह सी देना था जैसे आम दामन होते, लेकिन उसने अपनी तरफ से ये कोशिश नहीं की कि थोड़ा सा ये कपड़ा लगा के कोई थोड़ा सा कलर कर दे या थोड़ा सा उसको कर दे। बिल्कुल मैं सिंपल सीऊंगा, चलो ये मुझे ये घर में नहीं लगना था इतनी सफाई से उसने। हाँ ये बहुत अच्छा सफाई से लगा दिया है काव्या, जो कर दिया पूरी शर्ट पे इसके ब्लॉक प्रिंट है वाइट में ही है, ये नीचे इसके मिला था साथ इसका ये बैच है, ये अंदर ही टर्न करके लगाना था। ये ऊपर क्या मिला था एम्ब्रॉयडरी का, ये बाजुओं की मिली थी एम्ब्रॉयडरी, तो ये वही बचा हुआ दामन का उसने यहाँ लगा दिया। ये इसका ट्राउजर है सेल्फ हैंड कट का, और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा मैंने घर में लगाई थी इसके ऊपर जब मैं सूट लिया था उस टाइम लगाई थी, ये वाली लैस। हाँ यू उठाओ के दिखा दो, लटकने वाली, लटकने वाली। ये एक और ड्रेस है, ये भाभी का है, ये भी इनके पास घर में पड़ा हुआ था, सिंपल ड्रेस था ये। जब लास्ट ईयर सेल थी ना, नॉरिन पे लास्ट से मैंने लास्ट ईयर जब सेल थी ना तो बहुत पहले का लिया हुआ है। हाँ 2-3 साल हो गए, तो उस टाइम काफी सारे ड्रेसेस समरा अपने ने ले लिए थे, लेकिन इनके सिले नहीं थे घर में, इनका टाइम भी नहीं लगता, फिर सिलाए इन्होंने, अब सिलवाए हैं काफी सारे कपड़े, तो ये एक जैसा ही है आगे ओवरऑल। हाँ, एक ही तरह बेंचेस बने हैं ये, सिर्फ इसकी लाइनिंग लगानी थी तो लाइनिंग लगा के ये ड्रेस सिला है, तो अभी ऑफर लगी हुई थी तो लाइनिंग वाले भी थोड़े हमें रीजनेबल पड़ रहे थे, तो इसलिए इन्होंने कहा चलो ये मैं सिलवा। लाइनिंग के साथ 5 दिनार ले रहा था ना, 2 दिनार लाइनिंग के लिए और 2 दिनार जो है कपड़े के और 2 लगाने के। ये इसका ट्राउजर इसका बहुत अच्छा है, बड़ा डिफरेंट सा कपड़ा है ये कपड़ा ना, जो थोड़े फॉर्मल ड्रेसेस का। हाँ, फॉर्मल ड्रेसेस का जो होता है उसने ऐसे बस मैच करके दे दिया था उस टाइम। इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, इसका दुपट्टा ये रेडी था बिल्कुल जब आया है, सिला हुआ था ये बटी उसके ऊपर लगी हुई थी सारा, बिल्कुल रेडी हो गया है, सिर्फ आयरन किया है और अब ये पहनने के काबिल हो गया है, और जब आप दिल चाहे आप पहन सकते। आप नहीं पहनेंगे, भाभी पहनेंगे, आप पहन सकते जी। ये एक और ड्रेस है, ये भाभी का है इनका, क्योंकि बहुत सारे सिलवाए हैं अभी, बहुत सालों से पड़ा हुआ है। नहीं उनके साथ का ही है, बहुत सालों का तो नहीं है, ये जो बाकी ये पहले बात के ये पहले नहीं है शायद। हाँ, 3 साल पुराना तकरीबन। अच्छा ये अभी जब मैंने रखा है ना जी, ये भी एक ड्रेस है, ये भी भाभी का ही है, इनके भी इनके साथ ही आया, बहुत पुराना पड़ा था तो अभी ये सिलवाए हैं इन्होंने, कपड़े भी पहनेंगे, इनके पास कपड़ों की वो भी हो रही थी थोड़ी कम लक, क्योंकि हादी इनको सी के नहीं दे रही थी। हाँ मैं इतनी जल्दी कपड़ा नहीं सीती, मैं अपने मूड से सीती हूँ, बहुत कॉटन है ये, बहुत वॉर्म है, बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत चला था, मेरा भी इस तरह का सूट था और प्रिंट का इसी कलेक्शन में से बहुत अच्छा चला था वो कपड़ा, मैं जब ही सी लिया था 3 साल पहले। इसके हमने दो दो ड्रेसेस लिए थे एक जैसे इस ब्रांड के ना, दीबा कलेक्शन इसका नाम था, उस टाइम नॉरिन पे आए थे, बहुत अच्छे थे ये कपड़े, तो इसका एक एक सूट हमने टेलर से सिलवाया था, उस टाइम बहुत बेकार सिला था, मुझे वो टेलर याद आ गई है, लेडी टेलर थी, मैंने नहीं सिलवाया था, तुम दोनों को मैंने और आप ने सिलवाया था, हमारा एक एक सूट पूरा ही खराब हुआ है, बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस। अपने क्लाइंट्स के कपड़े खराब करती खराब तो किए, चलो सो किए, उसने कपड़े ही दिल से उतार दिए, कि इतना अरसा तो मतलब कोई और दीपक कलेक्शन के कपड़े देखने का दिल नहीं चाह रहा था, वो हाल किया था। ये इसका ट्राउजर है और ये दुपट्टा, ट्राउजर और दुपट्टा कॉमन सूट है 3 पीस। एक ये ड्रेस है, ये भी घर पे सिला है मैंने, और ये मिलते जुलते ही गले बन गए, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इनको ना समोसे को सीरियसली ले लिया शौक से बनाए, मैंने वो पहली दफा बनाया था ना तो ये नहीं, दोनों समोसे इसमें फर्क है ना, ये दोनों तरफ से यू वाली है और वो मैं हमें एक साइड वाली। हाँ
और वैसे भी मेरा मुझे अच्छी लगी, पहले दफा मैंने बनाया ना तो अच्छी बन गई, इसलिए मैं कहा अभी अभी हाथ साफ कर लूं दोबारा बना लूं। एक और स्टाइल से भी बनती है ना, यहाँ पे ना पाइपिंग होती है ना, फिर उनको टर्न करते हैं तो यहाँ ये जगह ना पाइपिंग वाली होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। अभी मुझे ज्यादा पाइपिंग बारीक काम नहीं करने आते ना, ये बहुत ऊपर से सिंपल नहीं बनती ना, शेयर है ना कि आजकल हमारी मशीन की सर्विस होने वाली भी है ना, तो इसलिए हम इतनी बारीकी में पढ़ते नहीं है। और इसके से बहुत सिंपल हो रही थी शर्ट, इसलिए मैंने ये बैक का जो है इसका ये ऊपर लगाया है कपड़ा। ये इसके स्लीव्स का स्टाइल मुझे अच्छा लगा था कि थोड़ा सा, एक तो ये न्यू सी है थोड़ी थोड़ी सी बेल शेप में, ये बेल शेप में सी है। और वैसे ये फिर यहाँ पे इसका स्टाइल डिजाइन बना लिया तो अच्छा लगा था, वरना बहुत सिंपल हो रहा था ड्रेस तो थोड़ा अच्छा लगा। ये टू पीस था, ये इतनी डिटेलिंग घर में तो हो जाती है, टेलर को बोलो ना तो टेलर बड़े मसले में निकालते हैं। मैंने लगाया नहीं, ऐसे बॉर्डर था, और जो ये जो नीचे दामन पे है ना कढ़ाई का ये जो पैच है ये बाजू का था। हाँ ये बाजू, इसलिए बाजू ज्यादा हमें सिंपल लग रहा था बगैर पैच की, मैंने दामन पे लगा लिया, मैंने बाजू पे नहीं लगाया। और जो वो बॉर्डर मैंने यूज की, ये दुपट्टा है बिल्कुल जॉर्जेट, ये इसका ट्राउजर है। इसके साथ समझ नहीं आ रही थी कि क्या पहनना है, स्किन बिल्कुल ऐसा स्किन, मेरे पास ट्राउजर नहीं था और वो फीका भी लग रहा था, ब्लू भी नहीं है। ये टू पीस सूट था ना? हाँ टू पीस था, इसका ये बारीक दुपट्टा था और ये लेकिन ये इस दुपट्टे के साथ ये ट्राउजर रखा हुआ अच्छा लग रहा है, यानी ब्लैक ही इस पे अच्छा लग रहा है। और बैग के साथ भी ना देखो, बैग जो है ब्लैक है ना ज्यादा, तो ये घर से मैंने ब्लैक ट्राउजर पहन लिए, सोचा मुझे इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था। सही, चलें अभी तक के लिए यही थे, अभी हम और भी मैं सी रही हूँ और कुछ सिल के भी आ रहे सी रही हूँ। हाँ और मैं भी सीने का सोच रही हूँ, तो इंशाल्लाह जब सिल जाएंगे ना तो फिर मैं वीडियो बनाएंगे हम लोग, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा।